अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला कौसर और मेरे चैनल फूड डिश रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम मेथी पालक कीमा। आइए बनाना शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं हम मेथी पालक और कीमे में डालेंगे हम इसको, कीमा बना रहे हैं मेथी पालक कीमा। तो इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो कीमा, ये हाथ से कूटा हुआ कीमा है। ये लिया है 250 ग्राम पालक जिसको मैंने बीन कर काट लिया है और बहुत अच्छे से इसको धो लिया है। यह है कसूरी मेथी 4 टीस्पून जिसको मैंने धो लिया है। 2 टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। यह है मसाले 2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून भर के हल्दी, क्योंकि जब हम कोई सब्जी पालक वगैरह डालते हैं तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 टीस्पून रेड मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। 1 प्याज जिसको काट लिया है मैंने। 2 कपीर मैं ऑयल ले रही हूँ, मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आप जिस में भी बनाते हो उसमें बना सकते हैं, जिस ऑयल में बनाते हो आप उसमें बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, बस सरसों के तेल में खाना बनाने का यही है कि उसको अच्छे से गर्म करें कि उसकी जो एक खुशबू होती है वो ना आए। इसमें डालते हैं हम प्याज। हम प्याज को हल्का ब्राउन करते हैं। जब कभी कीमे में कुछ अलग खाने का दिल हो तो ये वाला कीमा, मेथी पालक कीमा ज़रूर बनाइए। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज को हमें बस लाइट ब्राउन ही करना है। इसमें डालेंगे हम कीमा। पहले हम थोड़ा सा कीमे को भूनते हैं, इसमें डालेंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे भूनते हैं हम। अब इस कीमे को लहसुन अदरक के पेस्ट से भूनते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट से हमने कीमे को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सारे मसाले। मसाले डालकर भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। हम पहले भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितना अच्छा हाथ से हम खाने को भूनते हैं उतना ही हमारा इसमें स्वाद होता है खाने में। कीमा हमारा भून गया है, तेल भी हमारा अलग हो गया है, थोड़ा सा और रह गया है वो हम बाद में भी भून सकते हैं। इसमें डालेंगे अब हम पालक। और डालेंगे हम मेथी, ये हमारी धुली हुई है इसलिए हम विद पानी इसमें थोड़ा सा है उसके साथ ही डाल दे रहे हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि मेथी और हमारा पालक कीमे में मिक्स हो जाए। इसमें डालेंगे अब हम पानी। हम 1 कप भर के पानी डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पालक भी छोड़ेगा और कीमा है तो जल्दी गलेगा। दो तीन सीटियां हम फुल आंच पर लगाते हैं, फ्लेम लो कर देंगे। आइए खोलकर देखते हैं। एक्यूरेट, बिल्कुल सही। लीजिए जी, माशाल्लाह से कीमा तो हो गया है तैयार। पानी भी हमारा बिल्कुल सही रहा।
आप अपने हिसाब से वैसे पानी डाल सकते हैं अगर आपका कीमा मोटा है तब। इसमें डालते हैं हम हरी मिर्च, क्योंकि हमें थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्ची कीमे में अच्छी लगती है। इतनी जल्दी कीमा बनकर तैयार हो गया और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज होगा। इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कीमा हो गया है हमारा तैयार, इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसको करते हैं अब डिश आउट। देखने में भी कितना अच्छा और खाने में भी बहुत मज़ेदार। ये थी हमारी आज की डिश। तो ये है हमारी आज की डिश मेथी पालक कीमा। इसको ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।